हेलो एवरीवन, आज मैं आपको एक्सरे व्यू बॉक्स के बारे में बताने वाला हूँ कि एक्सरे व्यू बॉक्स क्या होता है और इसको कहाँ कहाँ यूज करते हैं। दोस्तों, एक्सरे व्यू बॉक्स हमारा एक मेडिकल डिवाइस होता है। इसका यूज हम एक्सरे की जो फिल्म होती है उसको देखने के लिए हम एक्सरे व्यू बॉक्स का यूज करते हैं। जब आप एक्सरे करवाते हो ना, तो उसमें एक फिल्म निकलती है, आपने फेस टाइप का देखा होगा, जिसमें एक्सरे आपका जिस पार्ट का एक्सरे करवाते हो वो छप के निकलती है। एक्चुअली उसी चीज को देखने के लिए हम एक्सरे व्यू बॉक्स का यूज करते हैं। कहने का मतलब ये हमारा एक मेडिकल डिवाइस है एंड जो हमारे एक्सरे होता है उसको देखने के लिए हम एक्सरे व्यू बॉक्स का यूज करते हैं। इसका हम यूज कौन कौन से डिपार्टमेंट में करते हैं दोस्तों? इसका यूज हम ओटी में करते हैं, रेडियोलॉजी में करते हैं, कैथ लैब में करते हैं, ओपीडी में करते हैं एंड अदर कुछ और डिपार्टमेंट होती है जहाँ पे इसका यूज होता है। कुछ डिपार्टमेंट में कम यूज होती है, जैसे कि लाइक फिजियोथेरेपी एंड हमारा पैथोलॉजी लैब में इसका हल्का फुल्का यूज होता है, इतना यूज नहीं होता। ये एक्सरे व्यू बॉक्स भी कई टाइप के होते हैं, जैसे कि पहला आ गया स्मार्ट एक्सरे व्यू बॉक्स, सेंसर्स वाले होते हैं, उसमें आप हाथ से उसकी लाइट इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं। कुछ हमारे नॉर्मल आते हैं जिसमें ऑन ऑफ वाले स्विच होते हैं, आपने ऑन किया एंड वो ऑन हो जाएगा। और कुछ होते हैं जिसमें आप उसकी लक्स को, मतलब लाइट को एडजस्टमेंट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू हैंड से, अकॉर्डिंग टू सेंसर स्विच से। अब मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ कि एक्सरे व्यू बॉक्स किस तरीके से होता है एंड दिखने में कैसा होता है और कितने कितने टाइप के होते हैं। ये छोटा वाला एक्सरे व्यू बॉक्स है, इसको हम यहाँ से ऑन करेंगे, ऑन ऑफ वाला स्विच है, हमने इसको यहाँ से ऑन किया, ये ऑन हो गया। एक्चुअली इस तरीके से ऑन होता है और इसमें हम एक्सरे व्यू बॉक्स का जो फिल्म होता है वो हैंग करते हैं। और इससे हम इसको ऑफ करते हैं। अब मैं आपको दूसरा एक्सरे व्यू बॉक्स दिखा देता हूँ, इसको मैंने यहाँ से किया ऑन और ये देखो हो गया स्टार्ट। यहाँ पे एक्सरे व्यू बॉक्स, जो एक्सरे व्यू बॉक्स होता है हम यहाँ पे हैंग करते हैं और इस तरीके से हम अपने सारे व्यूवर देखते हैं। किसी किसी में आता है जिसमें हम एडजस्टमेंट करते हैं कितना लक्स अपने को चाहिए। अब मैं आपको एक्सरे व्यू बॉक्स में फिल्म लगा के दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से फिल्म दिखता है। ब्लैंक फिल्म है, अब मैं आपको इसको ऑन करके दिखा रहा हूँ। यहाँ से हमने किया पहले पहला रो ऑन, ये ऑन हो गया एंड सेकेंड वाले बटन को क्लिक करेंगे, सेकेंड ऑन हो गया एंड थर्ड को करेंगे, थर्ड ऑन हो जाएगा। इस तरीके से हम अपने फिल्म को इसमें हैंग करके देखते हैं। इसी में आपके जो जो एक्सरे है जिस पार्ट करवाते हो छप के आता है एंड देन इसको ऐसे नहीं देख सकते, तो इसमें लगा के ऐसे देखते हैं। तो अब मैं आपको एक्सरे व्यू बॉक्स का इंटरनली पार्ट दिखा देता हूँ कि इंटरनली व्यू किस तरीके से होता है एक्सरे व्यू बॉक्स। पहले क्या किया, यहाँ पे दो स्क्रू लगे हुए हैं इस तरीके के, उस स्क्रू को निकाला। निकालने के बाद एक्चुअली ये जो है ये ऑन ऑफ है, ये ऑन ऑफ के स्विच है एंड ये हमारा पावर सप्लाई का है। अब मैं इसको प्रॉपर आपको खोल के, किस हमने सारे जो उसके लॉक थे सारे खोल दिए। अभी देखो खोलने के बाद जो उसका इंटरनली व्यू है इधर किस तरीके से होता है। ये जो देख रहे हो छोटी छोटी एलईडी स्ट्रिप है, यही जो एलईडी स्ट्रिप है पैलेट में कनेक्ट होती है, माइनस प्लस माइनस प्लस की यहाँ पर वायर जा रही है इस तरीके से, यही कनेक्ट होती है हमारे मेन पावर सप्लाई से। ये देख सकते हो छोटे तो छोटे छोटे एलईडी वाली स्ट्रिप लगी हुई है यहाँ पे, यहाँ पे ये देख रहे हो प्लस माइनस से कनेक्ट है। सेफ्टी से हम इसको कनेक्ट करके हम कहाँ ले गए, यहाँ पर ले गए, फिर यहाँ पे हमने एक कट लगा के मेन स्विच का जो होता है ऑन ऑफ स्विच एंड पावर सप्लाई से यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। इसी तरीके से होते हैं इसे इंटरनली व्यू एक्सरे व्यू बॉक्स के। अगर आपको कभी भी रिपेयर करना हो तो दो स्विच लगे होते हैं, यहाँ से खोल के आप इसे रिपेयर कर सकते हो। ये हमारा इसको ऊपर से इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है ये एक्सरे व्यू बॉक्स, ये एक्सरे फिल्म जो होती है उसको हैंग करने के लिए ये। चलो ठीक है, अब मैं आपको इसको चला के दिखाता हूँ। ये ऑन कर दिया, ठीक से आपको वी बॉक्स दिखेगी। अगर मैं इस वाले पार्ट को हटा दूँ देख आपको किस तरीके से दिखेगा, सेम वही लाइट है ना जो आप दिवाली में यूज़ करते हो स्ट्रिप लाइट, उसके ऊपर से बस ये फ्रेम लगा दिए है। अगर हो सके तो इसके नीचे आप एलईडी जो आती है वो भी लगा सकते हो, कि एलईडी वाली भी एक्सरे वी बॉक्स आती है, सारी एलईडी चल रही है। अगर कोई एलईडी ख़राब होगी तो उन दोनों को क्या करो, कंटिन्यू टू को एक कर दो, सारी एलईडी जलने लगेगी। इसी तरीके से होती है हमारी व्यू बॉक्स।